हेलो फ्रेंड, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज के लिए क्या फीस होती है, कितना समय लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और इजीली 1 डे 2 डेज में कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समय समय पर इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों कोर्ट मैरिज की बात करें तो कोर्ट मैरिज करने के लिए 2 प्रोसीजर होते हैं। एक तो जनरल प्रोसीजर होता है जिसमें 30 से 40 डेज का टाइम लगता है। इस प्रोसीजर में प्रॉब्लम यह है कि घर पर नोटिस जाता है, तो जिनकी फैमिली मैरिज के अगेंस्ट है तो वह कपल इस प्रोसीजर में प्रैक्टिकली मैरिज नहीं करा सकता है। दूसरा प्रोसीजर होता है 1 डे 2 डेज का, जिसमें शादी होती है, रिचुअल्स मैरिज होती है और साथ के साथ ही रिचुअल्स मैरिज के ब्याह पर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होकर के कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। दोस्तों जितनी भी इंडिया में मैरिज होती है, मोस्टली दिल्ली NCR में जो कपल मैरिज करते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, UP के आके, उसका रीजन यही है कि यहाँ पर इजीली 1 डे 2 डेज में मैरिज हो जाती है विदाउट नोटिस, विदाउट फैमिली। तो इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे कि एक दिन में शादी कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और कितना समय लगता है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो एज और एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड एक एक सिंगल ID एड्रेस प्रूफ कपल के पास होना चाहिए, जिसमें लड़की की एज 18 साल प्लस होनी चाहिए और लड़के की एज 21 साल प्लस होनी चाहिए। एज प्रूफ की बात करें तो 10th क्लास सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और पैन कार्ड, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई एक सिंगल ID आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, DL, पासपोर्ट, डोमेसाइल, इन 5-6 डॉक्यूमेंट में से एक सिंगल ID आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट है, आपकी एज कंप्लीट है, ये फॉर्मेलिटी आप फुलफिल करते हैं तो इजीली आप अपना मैरिज करा सकते हैं। जी हाँ, कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, यानी दोनों का रिलीजन सेम है बट कास्ट अलग अलग है, तो 2 विटनेसेस भी चाहिए होंगे विद देयर कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि विटनेसेस मैंडेटरी नहीं किया गया कोर्ट ने कि वह आपके फैमिली मेंबर ही हो। आप अपने मैरिज के लिए विटनेसेस रिलेटिव या फ्रेंड के भी विटनेस करा सकते हैं। टोटल 2 ही विटनेस चाहिए होते हैं। विटनेसेस कोई भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो दिल्ली NCR में आप मैरिज करते हैं तो यहाँ पर मैरिज करने के लिए लोकल के ID एड्रेस प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ईजिली आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं जब दिल्ली NCR में 1 डे में अपनी मैरिज और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा करके 2024 में आप मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। टाइम समय की बात करें तो इसमें केवल 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। इसमें 1 से 1.5 घंटे में शादी होती है, टेम्पल में रिचुअल्स मैरिज होती है और 1 से 1.5 घंटा कोर्ट में लगता है। तो यदि आप 11 बजे कोर्ट में आते हैं तो हार्डली आपको 2-3 बजे तक मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन करा के फ्री करा दिया जाता है। बट दोस्तों इसके लिए भी आप पहले अपॉइंटमेंट करा के टाइम लेकर के आएंगे, उसके लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फीस की बात करें तो अगर आप आर्य समाज टेम्पल में मैरिज करते हैं, केवल शादी करते हैं, तो उसका खर्चा 3,000 से 6,000 का होता है दिल्ली NCR में। सबका अपना अलग अलग है, ये फीस कम ज़्यादा हो सकती है। कोर्ट में रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उसकी भी 7,000 से 10,000 रुपये के बीच, यानी अगर आप शादी प्लस कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 12,000 रुपये से 18,000 रुपये के बीच में दिल्ली NCR में आप अपना ईजिली करा सकते हैं। कोई एडवोकेट इससे ज़्यादा फीस बताते हैं या इससे कम बताते तो वह बात अपने आप में गलत होगी, क्योंकि इससे कम कराने वाले केवल नोटरी एफिडेविट मैरिज करा देंगे या मंदिर मैरिज करा देंगे, उसका आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसे डॉक्यूमेंट के व्यापार आप कभी भी लीगली हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से बचकर रहें। तो दोस्तों अगर आप कपल हैं, कोर्ट मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इजीली अपना मैरिज करा सकते हैं 2024 में। दूसरा दोस्तों, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। कृपया कॉल करने से पहले समय का ध्यान जरूर रखें। मॉर्निंग 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच आप कॉल करें ऑफिस टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।